सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैन दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 को लेके कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या होगी। आप सभी को पता है ये वाली कट ऑफ जारी हो चुकी है, इसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल और लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, तो उसे लेके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये है कि हमारे केवल इतने मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या हमें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फाइनल में होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फाइनल जो कट ऑफ होगी वो आपकी लगेगी बिल्कुल मेडिकल के बाद। जब आपका मेडिकल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। और बात आती है कि रनिंग की तैयारी करें या ना करें, तो देखिए ये डाउट भी मैं अभी आपका क्लियर कर दूँगा, और कितने नंबर मेरिट बढ़ेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि लगभग 5,30,000 कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया गया है। अराउंड 5,30,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो अगर इसमें से जो फिजिकल देंगे कम से कम 5,10,000 देंगे, कितना भी मानिए हो सकता है कि 20,000 लोग यहाँ पे एबसेंट हो जाएं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, उन्हें कहीं जॉब मिल जाए या वो जाने में इंटरेस्टेड ना हो, उनके मार्क्स कम हो, एटेक्स्ट्रा कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम जो आपके फिजिकल देंगे वो 5,10,000 कैंडिडेट देंगे। अब देखिए, बात आती है कि जो भी डिसाइड करेंगे वो जहाँ पे कैंडिडेट का रेशियो डिसाइड करेगा कि कितने रेशियो में कैंडिडेट पास होते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ लास्ट ईयर को लेके भी, यहाँ पे जो आपके डाउट हैं वो पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे करूँ कि 5,10,000 कैंडिडेट अगर फिजिकल देते हैं, आप कितना भी कर लीजिएगा, फाइनल जो मेडिकल के लिए, यानी अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो 3,00,000 कैंडिडेट लगभग पास होंगे। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे मैक्सिमम 3,00,000 लोग पास कर पाएंगे, कैसे भी फाइनल में किसी भी तरीके से पहुंचे, बस 3,00,000 कैंडिडेट होंगे जो कि आपके लिए पास होंगे। उसके बाद आपकी जो होगी मेडिकल के लिए कट ऑफ लगाई जाएगी, और मेडिकल की जो कट ऑफ होगी अगर उसमें मैं बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पे कॉल किए जाएंगे, यानी 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब देखिए, कट ऑफ तो आपकी पहली कट ऑफ तो यहीं पे लग जाएगी, मेरिट तो आपकी यहीं पे बन जाएगी, क्योंकि मेन मेरिट यहीं पे जो आपकी इंक्रीज होनी होगी वो हो जाएगी। फाइनल में जब आपके मेडिकल के लिए लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे तो आपकी मेरिट बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ, लास्ट ईयर 2015 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 2015 में कुछ राज्य ऐसे थे यहाँ पे लगभग 10 नंबर तक मेरिट बढ़ गई थी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे कि यहाँ पे 1 नंबर ही मेरिट इंक्रीज हुई थी। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके 2 नंबर 3 नंबर कम आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप रनिंग या करें या ना करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे मैं भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड दे रहा हूँ, हर कोई आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देगा, ये कोई डिसाइड करके नहीं बता सकता कि आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाएगी और आप रनिंग की तैयारी मत करो। क्योंकि मेरे भाई देखो, जॉब में क्या होता है, आपकी मेहनत के साथ साथ आपका लक भी काम करता है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप रनिंग की तैयारी ना करें। भले ही आपका 1 नंबर ज़्यादा आ रहा हो, देखो पॉइंट में मान के चलिए 0.02 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका फाइनल में जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपका 1 से 2 नंबर भी अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली 100% आप फिजिकल के लिए जाना। क्वालिफाई होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अपना फिजिकल मत छोड़ना। अभी आप मेरी बातों को हो सकता है मे बी सीरियसली ना लें, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है। और ऐसा बहुत स्टेट में लास्ट बार हुआ था कि उनकी मेरिट जो हुई थी बहुत कम बड़ी थी और बहुत ही आसानी से सिलेक्शन भी हो गया था। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिट बढ़ने की अगर मैं बात करूँ तो कुछ राज्यों में हो सकता है कि जो आपकी मेरिट है वो 10 नंबर तक इंक्रीज हो जाए अभी भी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे 1 से 2 नंबर भी मेरिट नहीं बढ़ेगी। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब 3,00,000 कैंडिडेट जो होंगे, 3,00,000 कैंडिडेट यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 3,00,000 कैंडिडेट में से जो मेडिकल के लिए पास होंगे लगभग 1,00,000 से 1,10,000 के बीच में मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। और मेडिकल की अगर रेशियो की बात करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 कैंडिडेट आपके
पास हो पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़े आपके साथ सामने रख रहा हूँ। फाइनल जब लिस्ट लगेगी तो केवल 80,000 कैंडिडेट की लगेगी और उसमें से जो बाहर होंगे 20,000 कैंडिडेट होंगे। 20,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि केवल पॉइंट से आउट होंगे, क्योंकि देखिए मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो मेरिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई लगी है, सभी को पता है, और मैक्सिमम ज़्यादातर राज्यों में मेरिट हाई है, तो इसलिए मेरिट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। रनिंग की तैयारी के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रनिंग की तैयारी आपको कंटिन्यूस करनी ही करनी है। अगर आप रनिंग की तैयारी करेंगे तो देखिए 5,30,000 कैंडिडेट में से आप 3 लाख में पहुंच जाएंगे। 3 लाख कैंडिडेट में पहुंचने के बाद अगर आपका एक नंबर भी ज़्यादा है तो आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी आप पहुंच जाएंगे 1,20,000 में। आप मान के चलिए 1,20,000 में जब आप पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है आप ऐसे राज्य से बिलोंग करते हो जहां पे मेरिट केवल आपकी एक नंबर बढ़े, तो यानी आप एक दो नंबर ज़्यादा होने पर भी यहां से सिलेक्शन लेने के चांसेस हैं। ये पूरी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 2015 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इन बातों को सीरियस नहीं लिया था, मेडिकल भी काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया था, फिर बाद में पछतावा हुआ कि भाई बहुत गलत हुआ। तो पहली बात तो ये, जब अगर आप रनिंग करेंगे उससे गलत तो कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए कोई भी परीक्षा जब आपकी होगी तो आपके काम ही आने वाला है फिजिकल, यहाँ पे मेरिट की फिर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम चांसेस होंगे कि मेरिट आपकी इंक्रीज होगी। ऑलरेडी मेरिट बहुत आई है और बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंस हैं कि आपके सामने आ जाएगा, खुद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जितने बार कैंडिडेट पास हुए हैं, देखिए अगर पहले फिजिकल यहाँ पे होता तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन अभी क्या है आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो कैंडिडेट पास हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है और मे बी वो रनिंग ना कर पाए। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे होंगे जो CGL, CPO और ऐसे अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अपर लेवल की, लेकिन उन्होंने SSC GD सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे दिया हो कि चलो SSC GD का प्रैक्टिस देख लेते हैं कि कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। अगर वो रनिंग के लिए हो सकता है जाएं भी नहीं, अगर जाते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने इतनी अच्छे से तैयारी ना की हो, क्योंकि वो अपर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो कि भाई हमें तो SSC GD कॉन्स्टेबल में अपना निकालना है और हमें यहीं से सिलेक्शन लेना है। तो फिर मैं आप सभी को रिपीट कर रहा हूँ कि रनिंग की तैयारी 110% करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कहना बहुत आसान होता है कि भाई नहीं मिलेगा, इतना नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो बंदा इतने मार्क्स ऑब्टेन करता है उसे पता चलता है कि कितनी मेहनत से इतने नंबर लाए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी बंदा अपना फिजिकल मत छोड़िएगा, फिजिकल की तैयारी करिएगा। 1 से 2 नंबर मेरिट ही आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ज़्यादा मेरिट इंक्रीज होने का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय।